नमस्कार। तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए फुली कमिटमेंट रहता है। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के बाद से हर इलेक्शन में हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो कैश सीजर हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से भी उसको रिकॉग्निशन मिला है। हैदराबाद सिटी पुलिस किसी भी हालत में ब्लैक मनी, डर्टी मनी, अनअकाउंटेड मनी, हवाला मनी, क्राइम मनी, इसका इलेक्शन में यूज किसी भी तरीके से नहीं होने देगी। हम लोग कमिटेड हैं कि फेयर इलेक्शन, जो कि फाउंडेशन है हेल्दी डेमोक्रेसी का, किसी भी हालत में डर्टी मनी से उसको हम लोग इंपैक्ट नहीं होने देंगे। इसी प्रोसेस में आज हमारे टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें हमारे स्पेशल ब्रांच और बेगमपेट पुलिस के ऑफिसर्स के लोग इन्वॉल्व थे, सब लोग मिलकर एक ऑपरेशन में 1 करोड़ अनअकाउंटेड मनी का सीजर किए हैं। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बाद टास्क फोर्स की टीम ये बेगमपेट फ्लाईओवर के पास एक इनोवा गाड़ी को इंटरसेप्ट करके उसके अंदर से 1 करोड़ रुपए कैश का सीजर हुआ, जिसका कि डायरेक्ट रिलेशन दुब्बा का बाई इलेक्शन से है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके नाम है सुरभि श्रीनिवास राव, सन ऑफ एस राम गोपाल राव, एज 47 ईयर्स। ये ऑक्यूपेशन है इनका ए टू जेड सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी पठानचेरू, विला नंबर 71, चंदा नगर, रंगारेड्डी। ये ओरिजिनली सिद्धिपेट के रहने वाले हैं और यही ये 1 करोड़ कैश लेकर जा रहे थे दुबाका असेंबली इलेक्शन में यूज करने के लिए, वोटर को डिस्ट्रीब्यूट करके इंपैक्ट करने के लिए। कार ड्राइवर टी रवि कुमार, सन ऑफ टी नागैया, एज 33, ये रेसिडेंट ऑफ स्वागत होटल चंदा नगर रंगारेड्डी का है। आपके सामने जो सीजर का मटेरियल है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड कैश, इनोवा गाड़ी नंबर 6909 और 2 मोबाइल फोन्स की सीजर हुई है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये मोबाइल फोन का लिंक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट से डायरेक्ट है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल्स, फेस टाइम डायरेक्ट कॉल्स, ये सब का एविडेंस बिल्कुल सामने आता है। ये सुरभि श्रीनिवास राव इंट्रोगेशन में इन्होंने बताया कि ये पूरा मनी दुब्बा का बाई इलेक्शन के लिए वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जा रहे थे। और इंट्रोगेशन में ये भी पता चला कि ये अक्यूज्ड ब्रदर इन लॉ हैं माधव नेनी रघुनंदन राव, जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं दुबाका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के फ्रॉम बीजेपी पार्टी। इसके साथ ये भी पता चला है इंट्रोगेशन में कि विशाखा इंडस्ट्रीज, जिसका ऑफिस बेगमपेट में है सिकंदराबाद में, वहां से ये पूरा पैसा निकाला गया और वहां के एक मैनेजर ये पूरा पैसा निकालकर इसको दिए ले जाने के लिए। विशाखा इंडस्ट्रीज के मालिक जी विवेक वेंकट स्वामी एक्स एमपी हैं पेदापल्ली के। ये पूरा सीज्ड मटेरियल एसएचओ बेगमपेट केस रजिस्टर करने के बाद स्पेशलाइज्ड एजेंसी से हेल्प लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे ओएसडी टास्क फोर्स श्री पी राधा किशन राव, उनके इंस्पेक्टर ऑफिसर के नागेश्वर राव, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर मोहम्मद थकीउद्दीन, स्पेशल ब्रांच के एडिशनल डीसीपी मुथियम रेड्डी, बेगमपेट पुलिस, ये लोग सब मिलकर ये ऑपरेशन किए। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हैदराबाद सिटी पुलिस का कमिटमेंट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमेशा से रहा है और पिछले 10 दिनों में जो सीजर हुआ, जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है,
जैसे कि महाकाली पुलिस स्टेशन में 16.69 लाख अनअकाउंटेड मनी का सीजर हुआ था, जो भी सस्पेक्टेड था लिंक विथ दुबाका इलेक्शन। उसके अलावा दूसरा जो सीजर हुआ वो नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि 14,96,000 कैश का सीजर हुआ था। इसमें एक इनोवा कार का भी सीजर हुआ। उसके बाद सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में, जिसका कि सीजर 31,26,100 रुपीज मिला था। उसके बाद सैफाबाद पुलिस स्टेशन में फतेह मैदान क्लब एलबी स्टेडियम के बाजू में, वहां एक ब्लैक कलर फोर्ड एंडोवर कार और उसमें से 50 लाख रुपए का सीजर हुआ था। फिर अफजलगंज पुलिस स्टेशन में भी 21,50,000 रुपए का सीजर हुआ। इन सब सीजर के पीछे पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक कॉपरेशन का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को पब्लिक के तरफ से आई है और इसीलिए आज मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड हैं। हेल्दी डेमोक्रेसी में ब्लैक मनी अनअकाउंटेड मनी का कोई जगह नहीं है और जिस किसी को भी ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी है, वो डायल 100 में बताएं, लोकल SHO को बताएं, DCP को बताएं, टास्क फोर्स ऑफिसर्स को बताएं या हमको बताएं। हम लोग मिलकर वी विल एंश्योर दैट ऑल इलेक्शन इज फ्री, फेयर एंड विदाउट द यूज ऑफ ब्लैक मनी। थैंक यू।